अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़े की 90s की किड्स की स्पेशल किस्म की बर्फ़ी, जो कि खोए के टेस्ट की बनेगी, वो भी मैदे की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन, इसमें डाला है हाफ कप घी। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, ये सिंपल बनस्पति घी है। बच्चों की इतनी फेवरेट है ये, बहुत ही मज़े की बनती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा होगा जैसे खोए वाली बर्फ़ी का होता है। तो आप देखें हम किस तरीके से मैदे के से खोए के टेस्ट की बर्फ़ी तैयार करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमन देखना है। तो ये देखें मैंने घी डाल दिया है इस पैन में, थोड़ी सी आंच तेज़ है ताकि घी जो है वो मेल्ट हो जाए। रूम टेम्परेचर पे है ये घी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगी मेल्ट। देखें मैं आंच आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैंने इतनी आंच रखी हुई, थोड़ा सा मैं घी को कर लूँगी मेल्ट। अब हम इसके अंदर डालते हैं और चीज़ें। यहाँ मैंने लिया है एक कप के करीब मैदा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। मैदा डाल दिया है मैंने इस गरम घी में। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसका चम्मच चला के और घी में इसको मिक्स करूँगी। ऑलमोस्ट इसमें मुझे टोटल जो टाइम लगा था 20 मिनट्स लगे थे बग़ैर रुके हुए। मीन्स के मैं चलाती रही थी चम्मच, मैं रुकी नहीं हूँ। ये देखें 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिचुएशन थी के मतलब अभी तक भी ये थिक गाढ़ा बिल्कुल डो की तरह था। हमने इसको जब तक करना है जब तक ये फाइन बिल्कुल लिक्विड नहीं बन जाता। तो ये देखें मैं आपको पूरी टाइमिंग बता दी और आँच भी दिखा देती हूँ, देखें कितनी लो है। तो आपने इसको चलाते जाना है, चलाते जाना है। मैंने आपको बता दिया 20 मिनट्स मुझे लगे हैं इस आँच पर इसको लिक्विड मिलाते हुए। तो ये देखें आफ्टर 20 मिनट्स ये हो गया है बिल्कुल लिक्विड। इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके क्या जो है कितना गाढ़ा है, ज़्यादा ये पतला भी नहीं है और ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है। ये देखें 20 मिनट्स के बाद इस कंडीशन में आया है ये। तो आपने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इसको मुसलसल लगातार चलाते रहना है, इधर उधर आप लोगों ने नहीं जाना है, इसके साथ ही खड़े रहना है। आप यकीन करें मेरे हाथ दुख गए थे इसको चला चला के, लेकिन आपने इसी तरीके से इसको चलाना है और इसमें ले आना है इतना गाढ़ा हो। ये देखें तो अब हम इसको निकालते हैं एक बॉल में। ऐसा ये क्लिप मुझसे जो है मिस हो गया थोड़ा सा, तो मैंने सिर्फ इसको बॉल में निकाला है, इसमें कोई ग्रीस नहीं किया हुआ कुछ नहीं। अब मैं इसको मुसलसल चलाती जाऊंगी जिसे मैं रूम टेम्परेचर पर लेकर आऊंगी, यानी कि मैंने जितना ये गर्म है इसको मैंने ठंडा करना है। 6 पीसेस लिए थे मैंने इलायची के, जिसे मैंने पीस लिया था और पाउडर बना लिया था। ये देखें मुसलसल मैं इसको चलाती जा रही हूँ ताकि ये जो है ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर रख भी सकते हैं, अगर आपको फ़ौरन आपने बनाना है तो आप इसको इस तरह से स्पून चला चला के या स्पैचुला से आप इसको ठंडा कर सकते हैं। ये देखें अभी भी मैं देख रही थी इसमें से हीट आ रही थी, यानी कि इतना गर्म था कि मेरी फिंगर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इसको, इतना गर्म था ये। इसको चलाते जाएं आप, मुझे ऑलमोस्ट इसमें 5 to 10 मिनट्स लगे थे, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब ठंडा हो गया था। तो मैं इस आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई चीज़ भी आपसे मिस नहीं हो। तो ये देखें हमने इसको चलाते जाना है और रूम टेम्परेचर पे चाहे तो वैसे, चाहे तो आप वैसे रख लें। मैंने इसको चलाकर इस तरह से ठंडा किया है। तो ये देखें ये हो गया है थोड़ा सा गाढ़ा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर, आप जो ऐड करना चाहें, यानी ये मैंने घर में चीनी को पीसा हुआ था, आप कैस्टर शुगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं ऐड। ये घर में मैंने चीनी को पीस कर छान लिया था, ये गरम था ठंडा नहीं हुआ था, आपने इसको गरम में ही ऐड करना है लेकिन इतना कि आपके फिंगर बर्दाश्त कर सके। तो मैंने हाफ डाल ली है इसमें चीनी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अक्सर जो है इसको शीरा बनाकर भी बनाते हैं, तो ये बहुत ही क्विक किस्म की बर्फ़ी है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है शीरा बनाने की या कुछ भी करने की। तो आपने इस तरह चीनी को पीसा, उसमें मिक्स की है। अब मैं बाकी की जो हाफ बची है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको इस शेप में लेकर आना है कि ये जो है एक जगह इकट्ठी हो जाए
हमने अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है और शेप में लेकर आना है कि ये जमने के लिए तैयार हो जाए, इकट्ठी हो जाए एक जगह पर। जब हम इसको मिक्स करते हुए उस शेप तक ले आएंगे तो हम वहीं पर इनफ है कि इससे ज़्यादा हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। इसमें कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए कि आपको कहीं से वाइट वाइट पोर्शन नज़र आ रहा हो, ये इट मीन्स कि यहाँ पर शुगर है। अभी आपने जिस तरह से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ क्लिप, मैंने सारे ऐड किए हैं इसके अंदर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर मिस हो जाती हैं तो चीज़ें ख़राब बन जाती हैं, तो मैं इसलिए हर क्लिप ऐड करती हूँ ताकि आप लोगों के सामने एक एक चीज़ आ सके। छुपाने से कुछ भी नहीं होता, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मेरे समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये देखें, आपने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक शेप लेता जा रहा है। ये देखें जैसे मैं इसको स्पैचुला से रखती हूँ ये उस तरह से शेप ले लेता है। तो अब यहाँ देखें, नेक्स्ट स्टेप, मैंने एक लिया है बोल, शीशे का बोल है, इसके अंदर मैंने इसे ग्रीस कर लिया है और इसमें एक टेबलस्पून के करीब मैंने कटे हुए बादाम डाले हैं। बादाम नीचे से नज़र नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये बर्फ़ी के अंदर चले जाएंगे। तो अगर आप सोचें कि नीचे से बादामों की लेयर नज़र आएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप लोग खाएंगे तब आपको फील होगा कि अंदर कटे हुए बादाम डले हुए हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी किड्स के लिए कैसे इसको फेवरेट बनाना है, क्योंकि किड्स की ना बहुत सारी छोटी छोटी कमज़ोरियाँ होती हैं जो हम बच्चों की पहचानते हैं कि बच्चे इस तरह से चीज़ खा लेंगे, बच्चे उस तरह से चीज़ खा लेंगे। तो बच्चों की छोटी छोटी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसको हम अगर पकड़ लें तो बच्चों को हम काफ़ी चीज़ें खिला सकते हैं। तो ये देखें, अच्छे से मैंने इसको टैप टैप कर लिया है ताकि ये इसको एक शेप दे ली। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। 1 घंटे के बाद देख लें इतना हो गया था ये ठंडा। ये देखें, अगर आप, मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप लोगों को साइड से इसको निकालने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर पेपर मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। अगर नहीं हो तो आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हाथ आ गया था कैमरे के आगे, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, मैं इसको निकाल रही थी, तो अगर इस तरह से मुझसे नहीं निकल रहा था तो आप लोग क्या करें कि यहाँ पर आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं अब कर रही हूँ इसको कट ताकि मैं इसके बनाऊँ पीसेस। मैं हर चीज़ आपके सामने कर रही हूँ, कोई चीज़ भी आपसे मिस नहीं हो जाए। अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होगी और आप यही सोचेंगे कि मैंने आपको चीज़ गलत बताई है। तो मैंने ये वाली चीज़ भी आपको बता दी कि मुझसे नहीं निकल रहा था। मैं अगर आपके सामने करूँ कि मुझसे फ़ौरन निकल गया है, प्रोफेशनल जो है जिस तरह से होते हैं, तो मैं भी आपकी तरह एक हाउस वाइफ हूँ, घर में चीज़ बना रही हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो हर चीज़ आपके सामने है। मैं इस तरह से नहीं करती कि कोई चीज़ छुपा के और आपको चीज़ सही करके दिखा दी लेकिन उसमें कोई चीज़ गलत हो, ठीक है। तो हर चीज़ आपके सामने है और इंशाल्लाह आपको आगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सिखाऊँगी, तो आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना है ताकि हर चीज़ आपके सामने हो। तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। बर्फ़ी की मैंने इस तरह से चकोर पीसेस किए हैं, आप चाहें तो इसको जिस तरह से भी चाहें कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये नीचे से थोड़ा सा निकलने में जो है दिक्कत होती है, तो मेरा हाथ आगे आ गया था कैमरे के, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था। आप लोग इस चीज़ को जो है इग्नोर कर दीजिएगा। ये देखें, मैं इसको निकाल लिया था, ये निकल नहीं रही थी मुझसे, ये थोड़ी सी नीचे से जो है सॉफ्ट होने लग गई थी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैंने सारी टुकड़ियाँ निकाल ली थी। तो ये देखें, इस शेप में निकल आई है ये। घर में जो आप मोहब्बत से प्यार से चीज़ बनाते हैं वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। आप मोहब्बत से चीज़ बनाएंगे तो जैसी भी चीज़ होगी वो सबको अच्छी लगेगी। तो ये तो बच्चों को बहुत ही मज़े की लगेगी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये देखें, अंदर से भी ये बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे खोए वाली बर्फ़ी होती है। बहुत मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी, उसी वक्त सारी ख़त्म हो गई थी। तो ये देखें, ये मैंने इसमें निकाल ली थी, ये देखें मैंने सारी कर ली। अब मैं बताती हूँ इसको किड्स के लिए कैसे स्पेशल करना है। तो ये देखें, यहाँ पर पकड़नी है हमने एक बर्फी का टुकड़ा, ये लिए हैं मैंने स्प्रिंकल्स और इस पर हम ऐड कर देंगे स्प्रिंकल्स। ये देखें किस तरह से मैं इसको दबा दबा के कर रही हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है बर्फ़ी, तो ईजीली इस पर स्प्रिंकल्स लग जाएंगे। जब स्प्रिंकल्स होते हैं, कलरफुल चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। अगर मेरी जो बेटी है उसका यही है कि अगर वो स्प्रिंकल्स देखती है तो वो चीज़ खा लेती है। तो आप इस तरह से बच्चों को, ये एक वे है कि आप इस तरह से बच्चों को
चीज़ें खिला सकते हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो अगर आप चाहें तो इस तरह बच्चों को खिला सकते हैं, या आप जैसे दिल चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बादाम से, जिस तरह के भी आप ड्राई फ्रूट से इसको चाहें तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह किया, मैं सारा कर लूँ तब मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हो गया ये सारा डेकोरेट, तो देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और आपने इसको मस्ट है कि आपने इसे ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, नीचे अपनी कीमती राय का इजहार करें, और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।